तो जी हाँ भाई और बहन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा चैनल गेमिंग वर्ल्ड पर। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप, मतलब ये वाला जो इवेंट है आज ही अभी ही आया है हाल में, और मैंने 2 टोकन भी लिए हैं, और किस गेम से खेलना है, और ये सारी की सारी जो है ना, ये देखो इतनी बड़ी ये इवेंट है ना और काफ़ी कन्फ्यूजन वाली है। ये मेरा फ्रेंड जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्या काफ़ी कन्फ्यूजन वाली ये है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शुरुआत से। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं रिवर्ड में, मतलब के लीडर बोर्ड में यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे देखो एक बक्सा हो उसको मतलब डब दोगे ना, तो अभी देखो इस लीडर बोर्ड में ना आप टॉप 10 में रहोगे तो आपको ये 3 चीज मिलेगी। ये देखो ये वाला मास्क, 1 पिन और 2 इंक्यूबेटर वाउचर। अगर टॉप 20 रहोगे, 11 से 20 रहोगे, तो पिन, 1 इंक्यूबेटर वाउचर और 1 डायमंड रोल वाउचर। और अगर 21 से 50 तक आप रहोगे तो आपको 1 डायमंड रोल वाउचर और 1 गोल्ड रोल वाउचर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये वाले रिवर्ड वर्ड और कैसे इसमें आगे बढ़ना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो अभी मैं ना यहाँ पे कितने रैंक पे हूँ ना, वो मैं आपको अभी ना मैं 30 वाले रैंक पे हूँ, इसमें ना मैं 30 के रैंक पे हूँ। आप भी 30 के रैंक पे ही हो गए, आपको 0 हो गए इसीलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐसे करें, तो अभी बात कर लो लॉग इन रिवॉर्ड की। देखो यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आ गया न्यू एज वाला है इसमें, और ये देखो राइजिंग। यहाँ पे आपको डिलीवर टैप करना पड़ेगा। ये हो क्यों नहीं रहा भाई, ये इसमें रुको ना गाइस थोड़ी देर। यहाँ पे देखो इस लॉग इन रिवॉर्ड को हम थोड़ी देर साइड में रखेंगे। यहाँ पे हम आते हैं इंटो न्यू केज। यहाँ पे इंटो न्यू केज में आ गए तो देखो हमको ना 17 दिसंबर को एक ना रिवॉर्ड मिलने वाला था, सर्फ बोर्ड शायद से मिलने वाला था, तो वो यहाँ पे मिलेगा। अभी मेरा नेट जो स्लो दिखा रहा है, यहाँ पे रुकना गाइस यहाँ पे, अरे यार बहुत ही ज़्यादा स्लो नेट है, तो मैं इसको मतलब के रुकना, ओपन हो रहा था शायद से, तो मैं इसको ओपन करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस मेरा जो नेटवर्क है वो तो मतलब के फास्ट ही है, लेकिन ये वाला ओपन क्यों नहीं हो रहा वो मुझे भी नहीं पता। इसमें ना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस आपको एक क्लाइंब का ऑप्शन दिया गया है, क्लाइंब का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसीलिए जो आपका जो सर्फबोर्ड है वो मिल जाएगा। अभी बात आई यहाँ पे लॉग इन रिवॉर्ड की, तो लॉग इन रिवॉर्ड में क्या है वो मुझे भी नहीं पता है। अभी ऑर्डर है शिप्ड, योर ऑर्डर इज ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू एक्सट्रीम वेदर। यहाँ पे कुछ ऐसा बता रहा है एक्सट्रीम वेदर के कारण यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, तो उसकी भी हम बात जाने देते हैं। तो अभी हम आते हैं स्टोर में, और स्टोर में देखो यहाँ पे ये वाला आपको बंडल मिलेगा, और ये गाइस आप पूरी की पूरी वीडियो देखना वरना ये वाला इवेंट आपको समझ नहीं आएगा। तो और मिलेगा ये मॉन्स्टर वाली स्किन, उसके बाद ये एग मिलेगा एक, यहाँ पे आपको जो नहीं आया वो प्रीमियम स्टोर अभी ओपन नहीं हुआ। तो अभी हम बात करते हैं टाउन हॉल के, टाउन हॉल के बाद मैं आपको बाद में आपको समझाता हूँ। उससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या है कमांड सेंटर। यहाँ पे कमांड सेंटर में देखो ऐसा वाला टोकन है, एक टोकन का नाम है बैटरी, और देखो एक टोकन का नाम है बैटरी और दूसरे टोकन का नाम है एलो, ऐसा कुछ नाम है इसका। यहाँ पे ये वाले आपको टोकन चाहिए होंगे। यहाँ पे आपको देखो 240 बैटरी और 240 ये जो एलो वाले जो टोकन है ना वो आपको मतलब कि आपके पास है ना, तो आपको देखो ये रिवर्ड में ये वाले मिलेंगे, मतलब कि 3 वो टोकन मिलेंगे, 100 ये स्टार मिलेंगे, और 100 जो अपग्रेडेड ब्लॉक्स है वो मिलेंगे। तो इस सारे के बाद हमें अभी आगे करते हैं। तो अभी आते हैं प्रोसेसिंग प्लांट में। तो प्रोसेसिंग प्लांट में देखो आपको इतनी सारी आपको चीज़ ना मतलब आपको अनलॉक करनी पड़ेगी। वो कैसे करता है वो सब भी के सब आप टेंशन मत करो, मैं सब और सबसे मेन काम है इस पावर स्टेशन का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे पावर स्टेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा रिपेयर वाले, तो इसको आपको रिपेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो ये वाला आएगा, एक टोकन से आप एक्सीलरेट आपको यूज कर रहे हो, ये टोकन आपको इन गेम मिलेंगे, देखो बैटल रॉयल में मिलेंगे और क्लैश कोड में मिलेंगे, और उसके बाद लोन वुल्फ में आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो वो वाले मैं फिर से कर लिया, पावर स्टेशन मैंने खोलिया और एक्सीलेटर किया, और देखो मेरे मुझको ना 300 ये वाले टोकन मिल गए, 300 मुझको बैटरी मिल गई
और अभी यहाँ पे देखो जो येलो वाले जो टोकन है ना उसके लिए ना आपको दूसरा, अभी मैं इसको एक्सीलेटर नहीं करूँगा, मेरे पास एक ही टोकन बचा है इसीलिए। तो अभी हम आ जाते हैं देखो ये वाले केमिकल प्लांट। केमिकल प्लांट आपको कैसे मिलेगा, रिपेयर फैक्ट्री फर्स्ट यानी कि सिटी लेवल रिक्वायर्ड 3। यहाँ पे सिटी लेवल आपको कैसे अपग्रेड करना है देखो, ये वाला है जियो ये लेवल 1 पे है, ये लेवल 3 पे हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये जो केमिकल वाला प्लांट आपको मिल जाएगा, उसमें से भी आप मतलब टोकन एक्सीलेटर करके आपको टोकन मिल जाएगी। उसके बाद आता है ये ब्लास्ट फर्नेस वाला, उसके बाद यहाँ पे इसको भी रिपेयर करना है और यहाँ पे आप एक्सीलेटर करोगे तो क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन करके देखें। तो देखो यहाँ पे मुझको एक्सीलेटर करने के बाद मुझे ये ना येलो वाले जो मुझे टोकन मिले हैं। तो अभी हम जाते हैं इस माइनिंग स्टेशन पे। माइनिंग स्टेशन पे सिटी लेवल 6 यहाँ पे आपको मतलब कि चाहिए, तो वो 6 लेवल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी मेरे पास ना यहाँ पे एक मिनट, मेरे अच्छा कोई बात नहीं, अभी मेरे पास ना देखो ये 300 एलो टोकन है और 300 ये बैटरी टोकन है। तो इसके बाद हम जाते हैं अभी कमांड स्टोर में। कमांड स्टोर में जाने के बाद देखो देखो जो मेरा पहला वाला जो मिशन है ना वो कंप्लीट हो गए, तो यार आपको इस कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है। देखो मुझे 3 यहाँ पे टोकन मिल गए हैं और अभी मैं ओके दे देता हूँ। तो अभी आपको दूसरा मिशन कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको चाहिए मतलब के 480 बैटरी आपको चाहिए, और वो बैटरी कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे पावर स्टेशन में गए एक्सीलेटर किया और आपको बैटरी मिल गई यहाँ पे अभी। और यहाँ पे आपको एक्सीलेटर कहाँ से करना है, ये टोकन कैसे, और टोकन मिलेगा आपको गेम खेलने के बाद। और उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पे एक्सीलेटर कर देंगे और एक केमिकल प्लांट से ना दूसरे दूसरे यहाँ पे आपको टोकन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो केमिकल प्लांट है ना शायद से अपग्रेडेड ब्लॉक्स मिलेंगे, शायद से केमिकल प्लांट में से वही मिलेगा। और यहाँ पे देखो विजिट फ्रेंड वाला जो है यहाँ पे आप इसको फ्रेंड को आपको यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेज देनी है सर के साथ, यहाँ नहीं रिक्वेस्ट नहीं भेजने, आप अपने फ्रेंड का जो ये इवेंट है ना वो आप देख सकते हो आपका फ्रेंड का। तो यहाँ पे अभी देखो ये मेरे पास क्या है, माई स्टोरेज है, ये मेरा स्टोरेज है, तो अभी मैं अपने बैग पे जा सकता हूँ या आप अपने फ्रेंड का विजिट कर दो। उसके बाद ये माइनिंग स्टेशन है, उसके लिए आपको 6 चाहिए और वो रिपेयर कहाँ से करें, टाउन वॉल में आना है और लेवल अप यहाँ पे आपको करना है। तो देखो यहाँ पे लेवल हो गया 2, तो अभी लेवल 3 आपको करना है, तो आपको 540 बैटरी चाहिए, फिर 300 यहाँ पे आपको चाहिए अपग्रेड ब्लॉक्स और यहाँ पे 540 चाहिए आपको येलो। तो उसके बाद आप लेवल 3 कर सकते हो। और ये जो फैक्ट्री है एक ही मिनट गाइस, तो देखो अब जैसे आप लेवल 2 को अपना टाउन हॉल करोगे तो यहाँ पे देखो एक हमको ना यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट में आपको जाना हो, यहाँ पे आपको एक मिलेगी बोतल। जी हाँ गाइस, यहाँ कैन बी यूज द होल्ड लिक्विड प्रोड्यूस इन द प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि इसका काम ये है कि इसका काम क्या है मैं आपको अभी बता दूँ। यहाँ पे जो केमिकल प्लांट है ना उसमें से जो केमिकल मिलेगा ना वो आप इस बोतल में डाल सकते हैं, देखो इस वाले बोतल में। यहाँ पे फिर मेडकिट है, टूल बॉक्स है, टेंट है, पची वेलकिंग ऐसा कुछ है, यहाँ पे हेलमेट है, डेजर्टिगल है, सप्लाई क्रेट और जनरेटर है यहाँ पे, तो सारी की सारी आपको मिल गए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगा, सिटी लेवल 3। तो वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ये मेरा एक वीडियो नहीं है इस इवेंट को, तो इसमें मैं काफ़ी सारे वीडियो भी बना सकता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा जो मेरा यहाँ पे हो रहा है, तो देखो ये करंट लेवल 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी स्पीड है 60 पर आवर है इसकी स्पीड, 60 या मुझे भूल जाता है। टाइम ऑफ नेक्स्ट आउटपुट यानी कि जो आपको नेक्स्ट जो मिलेगा उसका 5 मिनट के बाद आपको मिलेगा। तो यहाँ पे और देखो यहाँ पे नीचे आएगा क्लाइंब वाला, तो क्लाइंब के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखो आपको ये वाला एक और यहाँ पे आपको टोकन मिल जाएगा। तो अभी मैं एक्सीलेटर क्या करता हूँ, आपको मैं ना एक केमिकल भी नहीं कर सकता, तो अभी मैं ना ये ब्लास्ट वाला ही करता हूँ, इसको मैंने एक्सीलेटर किया और 360 मुझे ये वाला मिल गया है। तो अभी हम तो देखो ये वाले मेरे पास अभी 3 है, ऐसे हमको 120 चाहिए ये वाले मतलब बंडल लेने के लिए, मतलब थोड़ा सा हार्ड है गाइस वो मैं बोलूँगा, क्योंकि ना यार इसमें ना समझ नहीं आ रहा, मुझको भी ये समझ नहीं आ रहा था। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टाउन हॉल को अपग्रेड करते जाना, और ये जो केमिकल मशीन है जो मेरी जो है वो ना तीसरे लेवल की जो मेरी जो सिटी हो जाएगी ना, तो मैं आपको पक्का एक और वीडियो ना
आपको ना मैं बनाऊंगा केमिकल जो सिटी में से आपको कैसे केमिकल लेना है, फिर माइनिंग स्टेशन में से आप कैसे लेना है, वो सारी की सारी मैं आपको चीज़ बताऊंगा। तो ये एक और मुझे क्लाइम करने का आ रहा है, ये रिपेयर भाई साहब कितने सारे मिल रहे हैं। ओके, अपग्रेडेड पावर स्टेशन टू लेवल 2। यहाँ पे पावर स्टेशन को आपको अपग्रेडेड करने का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपग्रेड कैसे करना है इसको, यहाँ पर लेवल अप इसको कैसे करना है, इंक्लूज मटेरियल। ओ यहाँ पे इसके लिए आपको चाहिए मटेरियल चाहिए ना, तो ये वाला ना ऑप्टाइन कैसे करेंगे इस तरीके से। लेकिन रुकना गाइस, तो गाइस देखो इस पावर स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे देखो लेवल अप है। लेवल अप करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखो आपको चाहिए 240 एलो टोकन और 240 बैटरी टोकन यहाँ पे आपको चाहिए। और यहाँ पे जो प्लैंक है वो मतलब के जो अपग्रेडेड ब्लॉक्स है वो यहाँ पे आपको कहाँ से, कमांड सेंटर में जाके मुझे एक और देखो ये मैंने कंप्लीट किया, और एक और मुझे जो यहाँ पे मतलब के मुझे 200 अपग्रेडेड प्लैंक मिले हैं और मेरे पास अभी 6 टोकन हो गए हैं। यहाँ पे देखो आप, अभी 6 टोकन मेरे हो गए हैं। तो अभी ना यहाँ पे देखो पावर स्टेशन में से जाके मैं यहाँ पे अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए ये वाला। तो देखो बैटरी मेरे पास आ गई, अभी एक और टोकन चाहिए और उसको मैं डालूँगा यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में, और ब्लास्ट फर्नेस में से मुझे ये येलो टोकन मिलेगा। उसके बाद मुझे पावर स्टेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब लेवल अप करना पड़ेगा, उससे से मुझे ये वाला मिलेगा। यहाँ पे देखो आपका मिशन जो है सारा का सारा इसमें दिखाएगा मिशन। यहाँ पे ये देखो इसका मिशन देखो ये अपग्रेडेड पावर स्टेशन लेवल 2। तो उसके बाद ये जैसे आप लेवल 2 करोगे आपको एक और ये वाला ब्लू फ्यूल शार्ड आपको मिलेगा। तो अभी इसमें कुछ और भी बताने वाला नहीं है, तो मैं अगर कुछ बताने वाला होगा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कमांड सेंटर में सिर्फ 4 ही यहाँ पे आपको कमांड दिए गए, इसमें से मैंने 2 कंप्लीट कर दी और तीसरी भी मैं कंप्लीट कर दूँगा 480 बैटरी देके। ये मैं 3 चीज़ ले लूँगा। तो उसके बाद है एक्स्ट्रा सप्लाई रन ऐसा कुछ है, तो उसको आप इन्फिनिटी बार यहाँ पे आप इसको मतलब कि आप रिडीम कर सकते हो उसको इन्फिनिटी बार। देखो यहाँ पे सैंड भी बना हुआ है, तो अभी मैं मतलब कि वेट इस चीज़ का कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक सेकंड है, इस सेकंड को यहाँ पे मैं आपको ख़त्म होने के बाद क्या होता है वो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसका शायद से नहीं पता, शायद से हमें बैटरी या फिर ऐसा कुछ मिलेगा। तो अभी हम 10 सेकंड यहाँ पे अब हम वेट कर लेते हैं, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, अभी क्या ही कर सकते हैं गाइस यार आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखो सेकंड, और यहाँ पे प्रोसेस 60 क्या हो गया वो मुझे भी नहीं पता, शायद से मेरी बैटरी बढ़ गई या फिर क्या हुआ। रुकना गाइस, मेरी बैटरी शायद से बढ़ गई है, नहीं नहीं बैटरी भी नहीं बिगड़ी। अच्छा भाई मुझे समझ आया, मुझे समझ आ गया गाइस। यहाँ पे देखो ये जो 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद आपको यहाँ पे इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये देखो ये मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ, ये वाला जो है ना वो फूल हो गए, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी आपको 60 बैटरी मिलेगी। और फिर अभी मैं देखो कमांड सेंटर में जाके देखो तो ये देखो ये ऐसे मुझे ये वाली बैटरी है। तो ये मैं बैटरी अभी यहाँ पर कंप्लीट वाले ऑप्शन पर नहीं डबाऊँ, क्योंकि मुझको ना ये टाउन वो जो टाउन हॉल है ना वो मुझको अपग्रेड करना है। अपग्रेड के लिए मैं मुझको चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन चीज़ के लिए देखो एक मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एक, देखो एक और मुझे ये वाला मिल गया है। तो अभी टाउन हॉल के लिए हमको चाहिए बैटरी और येलो ये ऐसे येलो वाले टोकन। तो वो टोकन मैं अभी कलेक्ट करके आया, मतलब कि गेम खेल के अभी मुझको ये वाले जो टोकन है ना वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो एक से तो यहाँ पर तो गाइस आई होप इस वाले वीडियो में आपको ये सब समझ आ गया होगा। और गाइस देखो यहाँ पे मुझे 60 जो एरो वाले टोकन भी यहाँ पे मुझको मिल गए। तो अभी देखो जैसे ही मेरा जो सिटी का लेवल जो 3 या फिर 6 होता है तो मैं ये केमिकल वाला आपको जरूर से दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो आज की वीडियो में नहीं अगली वीडियो में कोई मजा आता तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।